सो वेलकम स्लाइड स्कोप का ये जो नया वीडियो है, ये हम लोग पेड एडवर्टाइजिंग के ऊपर, हम लोग का ये पेड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का पार्ट है। पेड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग क्या होती है, इसके जो बेसिक्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर पेड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग को समराइज करें तो कई बार एडवर्टाइजर्स होते हैं, एडवर्टाइजर्स अपने बिजनेस को, सर्विसेज को प्रमोट करना चाहते हैं, सिर्फ SEO से उनको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, है ना। ओनली SEO या सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ठीक है, या उनके जो भी पब्लिसिटी मेथड्स हैं तो सिर्फ उनसे जो है उनको नो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, ठीक है। तो उस केस में कई बार उनको पेड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है। पेड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के ऊपर हम लोगों ने डिटेल में एक वीडियो सेशन किया है जिसमें उसको पूरे अच्छे तरह से इंट्रोड्यूस किया गया, आप उसको रिफ़र करें, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। हम लोग पेड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग को कई नेटवर्क्स के द्वारा पेड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जिसमें से हम लोग गूगल एडवर्ड्स को इस वीडियो में देख रहे हैं। गूगल एडवर्ड्स सबसे बड़ा पेड ऑनलाइन नेटवर्क है, पेड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग नेटवर्क है, जिसमें कोई भी एडवर्टाइज़र अपने बजट के हिसाब से ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कर सकता है, ठीक है। गूगल एडवर्ड्स की सबसे अच्छी बात यही है कि यू कैन चूज योर बजट, पहला पार्ट है ना, यू कैन चूज योर टारगेट ऑडियंस, है ना। आप एग्जैक्टली उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जिन लोगों को, जो लोग आपके टारगेट में आते हैं। टारगेट ऑडियंस आपकी लोकेशन बेस्ड टारगेट की जा सकती है। अगर आप लखनऊ में, आपका बिजनेस है, आप लखनऊ के कस्टमर्स चाहते हैं तो आप लखनऊ को टारगेट कर सकते हैं, कानपुर भी है तो कानपुर को टारगेट कर सकते हैं, दिल्ली, मुंबई या पूरा वर्ल्ड आपके टारगेट में है तो आप पूरे वर्ल्ड को टारगेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप लोगों को उनके हॉबीज के बेसिस पे भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट हॉबीज के बेसिस पे भी आप उनको टारगेट कर सकते हैं कि लोग उनकी हॉबीज़ क्या हैं या उनके इंटरेस्ट क्या हैं, वो क्या चीज़ें लाइक करते हैं। तो गूगल एडवर्ड्स एक बहुत ही एडवांस टूल है, एक एडवांस सर्विस है। गूगल एडवर्ड्स काम कहाँ पे करता है? गूगल एडवर्ड्स कई जगहों पे काम करता है। अगर हम गूगल में कोई भी कीवर्ड्स सर्च करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, ये आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं, ठीक है। पर आप यहाँ पे एक रिजल्ट देख रहे हैं जिसके ऊपर एड लिखा हुआ है, या आप देख रहे हैं जहाँ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, या आप नीचे एक एड देख रहे हैं सर्च रिजल्ट्स के जहाँ पे एड लिखा हुआ है। तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये पेड रिजल्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने कई बार YouTube के ऊपर कोई वीडियो देखा होगा, ठीक है, आप YouTube के ऊपर कोई वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो में आपने देखा होगा कि एडवर्टीजमेंट आता है। कोई कोई एडवर्टीजमेंट आप 5 सेकेंड में स्किप कर सकते हैं, ठीक है, कोई कोई एडवर्टीजमेंट आपको देखना ही पड़ता है। जब वो एडवर्टीजमेंट कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट होने के बाद ही वो आपको
दिखाई देता है, आपका जो वीडियो होता है वो आपको दिखाई देता है। सो यूट्यूब का एडवर्टीजमेंट, ठीक है, गूगल सर्च पे दिखाया जाने वाला एडवर्टीजमेंट, गूगल सर्च वेबसाइट पे दिखाया जाने वाला एडवर्टीजमेंट, ठीक, ये आपका सब इस पेड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का पार्ट है, सब गूगल एडवर्ड्स का पार्ट है, ठीक है। आपने बहुत सारी इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स देखी होंगी, जैसे हम अपनी मान लीजिए कोई वेबसाइट देख रहे हैं, तो ये एक कोई वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एड्स आ रहे हैं, ठीक है। इस वेबसाइट में आप नीचे की तरफ भी देख रहे हैं, इसके फुटर सेक्शन में भी कुछ एड्स आ रहे हैं, वही एड आ रहा है बल्कि, ठीक है। इस टाइप की वेबसाइट्स में गूगल एडसेंस लगा हुआ है। गूगल एडसेंस का बेसिक इंट्रो हम लोग कर चुके हैं अपने और वीडियोस में। सो गूगल एडसेंस लगा हुआ है, दैट मीन्स कि ये लोग पब्लिशर्स हैं, ये वेबसाइट गूगल एड्स को पब्लिश कर रही है अपने कंटेंट में, ठीक है। सो जिस तरह से गूगल एडवर्ड्स है, जो एडवर्टाइजर जिसमें एड्स देता है, उसी तरह से एडसेंस है जिसमें उस एडवर्टाइजर के एड्स डिस्प्ले करे जाते हैं। अगेन हर वेबसाइट की एक अपनी कैटेगरी होती है, एक अपना कह सकते हैं कंटेंट होता है जिससे उसकी कैटेगरी डिफाइन होती है। तो हर वेबसाइट की अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही उसमें एड्स दिखाई देते हैं। जैसे हम लोग की वेबसाइट कुछ बुक से रिलेटेड है, तो उसमें अमेज़न के कुछ बुक्स के कंटेस्ट जो है दिख रहे हैं, ठीक है। सो तीसरे तरह का जो नेटवर्क है वो डिस्प्ले एड्स हैं, ठीक है, या आप डिस्प्ले नेटवर्क कह सकते हैं इसको, ठीक। ये गूगल की वो पार्टनर वेबसाइट्स कह सकते हैं, या गूगल से जुड़ी हुई वो वेबसाइट्स हैं जो एड्स को पब्लिश करने के लिए एडसेंस पे साइन अप होती हैं, ठीक है, जिन्होंने एडसेंस पे खुद को साइन अप किया। ऐसी भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लाखों वेबसाइट्स हैं, करोड़ों वेबसाइट्स हैं जिन्होंने एडसेंस में अपनी वेबसाइट को साइन अप किया हुआ है और वो डिस्प्ले एड्स अपनी वेबसाइट पे शो कर रहे हैं, ठीक है। सो गूगल सर्च, करोड़ों वेबसाइट्स का डिस्प्ले नेटवर्क, यूट्यूब का एडवर्टीजमेंट, ये सब जो है गूगल एडवर्ड्स मैनेज करता है, ठीक है। अगर कोई एडवर्टाइजर है, एडवर्टाइजर मीन्स जैसे अमेज़न मान लीजिए, अमेज़न एक एडवर्टाइजर है, ठीक है, ये गूगल के पास गया, गूगल एडवर्ड्स के पास गया और इसने वहाँ पे अपने एड्स सबमिट किए, ठीक है, तो गूगल उन एड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक, डिस्ट्रीब्यूट करेगा कहाँ कहाँ, जिन भी जगहों पे अमेज़न ने, जिन भी एरियाज में, जिस टाइप के भी नेटवर्क्स में अमेज़न ने उन एड्स को देने की अनुमति दी होगी। मान लीजिए उसने गूगल सर्च ही केवल सेलेक्ट किया, तो अमेज़न का वो एड केवल गूगल सर्च पे ही दिखाई देगा। उसने यूट्यूब और गूगल सर्च सेलेक्ट किया, तो अमेज़न का वो एड यूट्यूब पे और गूगल पे ही दिखाई देगा, ठीक है। उसने केवल अकेला डिस्प्ले सेलेक्ट किया, तो इन दोनों पे नहीं दिखाई देगा, ठीक है, और डिस्प्ले नेटवर्क पे दिखाई देगा। जैसे हमारे एक स्टूडेंट की क्वेरी के हिसाब से डिस्प्ले एड्स का पार्ट है। सो ये गूगल का एक बैनर डिस्प्ले हो रहा है ना, ठीक है, तो दिस इज पार्ट ऑफ अ डिस्प्ले एड, डिस्प्ले नेटवर्क, ठीक है। एंड जो हम लोग का ये एड है, ये हमारा सर्च नेटवर्क पे ये पार्ट आ रहा है।
हम लोग को ये सब चीज़ें समझनी है। यूट्यूब में भी आपको डिस्प्ले एड्स दिखाई देते हैं, कई बार आपने देखा होगा यूट्यूब में भी आपको बैनर एड्स दिखाई देते हैं। सो हर वो वेबसाइट जिसपे, तो ये सब तो क्योंकि गूगल के अपने नेटवर्क हैं, हमें आगे इनकी भी सेटिंग करने को मौका मिलता है कि हम गूगल के नेटवर्क्स को अलाउ करते हैं कि नहीं। गूगल के अपनी भी कुछ पार्टनर वेबसाइट्स हैं, कई वेबसाइट जिनकी लिस्ट गूगल जो है ऑफिशियली कई बार नहीं देता है, और इनकी कुछ पार्टनर वेबसाइट्स भी हैं। कई सर्च इंजन्स ऐसे भी हैं जो गूगल के एड्स ही दिखाते हैं अदर देन गूगल, ठीक है। हम लोग और भी देखेंगे ये सब चीज़ें। हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एडसेंस के थ्रू, हज़ारों लाखों वेबसाइटों पे, गूगल के खुद के नेटवर्क में रोज़ की करोड़ों क्वेरीज आ रही हैं। इसमें बहुत डेटा है, ठीक है। और क्योंकि इस सब का सबसे मेन सोर्स होता है विजिटर्स, एडवर्टाइजिंग का मेन सोर्स है विजिटर्स। तो कोई भी एडवर्टाइज़र अगर जो है किसी विजिटर को टारगेट करना चाहता है, वो विजिटर जो उस कैटेगरी में लाई करता है जिस कैटेगरी में वो खुद आता है, तो वो उसको एडवर्ड्स के थ्रू ट्राई कर सकता है। अब एडवर्ड्स में हम लोगों को जो बेसिक चीज़ें समझनी है वो ये है कि एडवर्ड्स की कुछ अपनी यूनिट्स हैं, ठीक है। एडवर्ड्स में एड रन करने से पहले आपको कुछ यूनिट्स को समझना है, जैसे कैंपेन, एड ग्रुप, ठीक है, कि कैंपेन्स क्या होते हैं और एड ग्रुप क्या होते हैं। कैंपेन्स आपकी सबसे, आप कह सकते हैं इस तरह से कि एक सबसे बेसिक यूनिट है, ठीक है, गूगल एडवर्ड्स में। ऑब्वियसली आपको गूगल एडवर्ड्स के लिए adwords.google.com में आपको लॉगिन करना है अपना, और आप अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन कर सकते हैं। आपको शुरुआत में कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप बिना क्रेडिट कार्ड के भी ट्राई कर सकते हैं, आप सब चीज़ें देख सकते हैं। तो वहाँ पे जब आप जाएंगे, अभी हम लोग सब देखेंगे इसी सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में, और हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग टारगेट करना है, कैसे कन्फिगर करना है। तो कैंपेन सबसे बेसिक यूनिट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एड ग्रुप्स। अब ये सब, इनको आप लेवल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, इनको आप लेवल्स भी कह सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, और हर लेवल पे कुछ मैनेज करने के ऑप्शंस होते हैं। एड ग्रुप के बाद आते हैं खुद में एड्स, नहीं कि हम एड्स बनाते हैं, एड्स डिस्प्ले कराते हैं। मान लीजिए हमारा कोई एड है, कोई स्क्वायर एड है ऐसा, यहाँ पे मान लीजिए इस जगह पे हमारा लोगो आ रहा है, यहाँ पे हमारा कोई नाम डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, ये कोई डिस्प्ले है, और यहाँ पे क्लिक करने पे हम किसी वेबसाइट पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। क्लिक करने पे हमारी अपनी कोई वेबसाइट ओपन हो जाती है, या कोई URL ओपन हो जाता है अपनी, या किसी क्लाइंट की वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है, लैंडिंग पेज है ना, ये लैंडिंग पेज है कि जब हमारे एड्स पे क्लिक हो। आपने कभी भी किसी एड पे जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, अगर उस एड पे क्लिक किया तो वो एड किसी न किसी लैंडिंग पेज पे पहुंचता है। हम लोगों ने लैंडिंग पेज से रिलेटेड कई बार डिस्कशन किया है, मैं इसके भी कंसेप्ट बताऊँगा। ये सब सेटिंग कहीं ना कहीं, यानी कि आप देंगे किसी जगह पे जाके, आप एडवर्टीजमेंट्स क्रिएट करेंगे एडवर्ड्स में, किसी जगह पे जाके आपके वेबसाइट के लैंडिंग पेज जो है वो डिफाइन होगा, ठीक है। आपको वो सप्लाई करना पड़ेगा, आपको वो लैंडिंग पेज खुद से बनाना पड़ेगा। इसीलिए आपने बेसिक HTML CSS, आपने वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखी बेसिक, ताकि आप लैंडिंग पेजेस बना सकें, है ना, ताकि आप अपने क्लाइंट्स के लिए मैनेज कर सकें इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स को। ये जो हम लोग के पार्ट्स हैं ये सब हम लोग सीखेंगे। कुछ बेसिक्स हैं कैंपेन के, क्या बेसिक्स हैं, ठीक है, कैंपेन लेवल पे क्या बेसिक्स हैं। कैंपेन लेवल पे आपके दो पर्टिकुलर चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है,
कि किस टाइप का एड आप टारगेट करना चाहते हैं, जो अभी हमने लास्ट डिस्कस किया कि आप सर्च नेटवर्क टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है, सर्च नेटवर्क विद डिस्प्ले सेलेक्ट आप टारगेट करना चाहते हैं, है ना, सर्च नेटवर्क विद डिस्प्ले, है ना, हमने सब ऐड देखे, आप वीडियो एड्स देना चाहते हैं, क्या टाइप ऑफ एड है, तो आप हर कैंपेन में जो है इस टाइप का पहले चूज कर सकते हैं, या ओनली सर्च आप देना चाहते हैं, ओनली डिस्प्ले आप देना चाहते हैं क्या, ठीक है, ये आप कैंपेन लेवल पे डिसाइड करते हैं। ये बेसिक वीडियो है, इसमें आपको पहले ये सब ऑप्शंस समझ लेने, ठीक है, कि ये सब हम लोग क्या करते हैं, ताकि जब हम एडवर्ड्स का इंटरफेस देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में तो आपको ये क्लियर है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपका एड ग्रुप, कि एड ग्रुप लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, फिर आप अपना कैंपेन लेवल पे बजट सेटअप कर सकते हैं कि इस कैंपेन के लिए आपका डेली बजट क्या है, 100 रुपये, 200 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000, 1 लाख, 10 लाख, क्या, ठीक है, तो वो आप कैंपेन लेवल पे डिसाइड करते हैं। जब कभी भी कैंपेन की बात आएगी तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे नया कैंपेन बनाते ही कैंपेन का नाम सेटअप किया जाता है और आप टाइप ऑफ एड और अपना डेली बजट कर सकते हैं। यानी अगर आपके 4-5 कैंपेन्स हैं तो आप अपने हर कैंपेन को अलग अलग बजट दे सकते हैं। मान लीजिए आपके कैंपेन एरिया वाइज हों, है ना, तो आप अलग अलग एरिया में अलग अलग बजट इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कैंपेन्स को बजट, ठीक है। फिर एड ग्रुप लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सो आप एक पहले चीज़ तो आप अपने कैंपेन में आप अपने एड्स को ग्रुप्स में बांट सकते हैं, ठीक है, आप अपने एड्स को ग्रुप्स में बांट सकते हैं कि पहले ग्रुप का ये ऐड, दूसरे ग्रुप का ये ऐड, तीसरे ग्रुप का ये ऐड, उनको ऐड ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। ये ग्रुप्स आपके टारगेट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। सपोज करिए आप एज, एक एज ग्रुप टारगेट करना चाहते हैं 16 से 24 का, आप एक एज ग्रुप टारगेट करना चाहते हैं 24 से 30 का, ठीक है, तो आप उनको ऐड ग्रुप लेवल पे बांट सकते हैं, ताकि आप बाद में एनालाइज कर सकें कि आपका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा किस कैंपेन का है, किस एड ग्रुप का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। इसीलिए ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाई जा रही है। नेक्स्ट चीज़ जो है कि आपके कॉस्ट पर क्लिक बिड, ठीक है, यानी कि जब कभी, क्योंकि एडवर्ड्स एक कॉस्ट पर क्लिक नेटवर्क है, तो जब कभी भी कोई एड आपका क्लिक होगा तो आपको कितना पैसा पे करना है, वो बिड आपको आप एड ग्रुप लेवल पे सेटअप करते हैं। सो पॉइंट टू रिमेम्बर, बजट हम सेटअप करते हैं कैंपेन लेवल पे, ठीक है, और बिड सेटअप करते हैं, बिड कॉस्ट पर क्लिक सेटअप करते हैं एड ग्रुप लेवल पे। ये सब जो भी यहाँ पे बातें डिस्कस हो रही है तो गूगल एडवर्ड्स के जो फंडामेंटल एग्जाम्स हैं, गूगल एडवर्ड फंडामेंटल्स के, वो सब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप कौन से लेवल पे क्या चीज़ें सेटअप करते हैं, ठीक है। वो आपको प्रैक्टिकल करके तो समझ में आएगा ही, आपको अभी कुछ ये सब चीज़ें छोटी छोटी ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट जो है कि हर एड ग्रुप में एक डिफरेंट लेवल ऑफ सेल या डिफरेंट यूआरएल हो सकता है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि हर एड ग्रुप में आपका, हर एड ग्रुप कंटेन कर सकता है डिफरेंट यूआरएल जहाँ पे आप लैंड करना चाहते हैं, ठीक है। लास्ट चीज़ जो इस वीडियो में डिस्कस करें कि जो एड ग्रुप होते हैं, एड ग्रुप्स में हम लोग बिड एड ग्रुप में भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, एड ग्रुप वाइज हम लोग बिड कंट्रोल कर सकते हैं, एक एड ग्रुप में बिड रेट कुछ, एक एड ग्रुप में बिड रेट कुछ, है ना।
सो डिफरेंट डिफरेंट ये चीज़ें, ये एक बेसिक वीडियो है, इसमें केवल आपको ओवरव्यू दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम जाएंगे तो हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप ये सब चीज़ें करके भी देखेंगे, ठीक है? आप इन चीज़ों को देख लीजिए, अगर आपको इसमें कोई डाउट्स है तो आपको आई एम श्योर कि आपके वो डाउट्स जो हैं नेक्स्ट वीडियो में सारे कवर हो जाएंगे। आप बस छोटी छोटी चीज़ें रखिए कि सबसे पहले आपको कैंपेन को मैनेज करना होता है, कैंपेन के अंदर आप एड ग्रुप्स को मैनेज करते हैं, ठीक है? क्या कैंपेन सबसे पहले आप मैनेज करते हैं, कैंपेन के अंदर आप एड ग्रुप्स को मैनेज करते हैं, है ना? हर कैंपेन में एड ग्रुप्स होते हैं और हर एड ग्रुप्स में एड्स होते हैं। हर एड एक लैंडिंग पेज पे जाता है ना? और वो लैंडिंग पेज आपकी वेबसाइट होती है। आपको इसी से कोई भी एडवर्टाइजर लैंडिंग पेज तक अपने यूजर्स को बुला सकता है। अगर लैंडिंग पेज कोई शॉपिंग वेबसाइट है या कोई प्रोडक्ट पेज है तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि आप वो प्रोडक्ट परचेज किया जा सके। इसीलिए वीडियो एड्स, डिस्प्ले एड्स के साथ में शॉपिंग एड्स भी होते हैं गूगल में, ठीक है? आपने कई बार देखा होगा शॉपिंग एड्स जो हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे गूगल में सर्च कीजिए। मान लीजिए हम इन्वर्टर करते हैं, होम इन्वर्टर, तो आपको ये शॉपिंग एड्स दिखाई देते हैं, ठीक है? ये सब हम लोग सेटअप करना सीखेंगे एक एक करके। हर पार्ट में एक एक डिस्कशन होगा हम लोगों का। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि शॉपिंग एड्स, डिस्प्ले एड्स, वीडियो एड्स, सर्च एड्स, ये सब आपको अपने दिमाग में रखना है। ये थोड़ा R&D कीजिए, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे।